અમદાવાદ શહેરના અતિ ગીચ વિસ્તાર ગોમતીપુરમાં આવેલા ચારતોડા કબ્રસ્તાન મામલો વધુ વકરતો જાય છે ત્યારે કબ્રસ્તાનના હરતા કરતા અને કબ્રસ્તાનમાં ગેરકાયદેસર રીતે વહેવટ કરી રહેલા લોકો એકબીજા પર આક્ષેપ કરી રહ્યા છે અને હાલ આ સમગ્ર મામલે કબ્રસ્તાન પોલીસે સ્થાનિક લોકોની ફરિયાદના આધારે અલ્તાફ ખાન ઉર્ફે બાસીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે આ અંગે વધુ વિગતે જોઈએ અમારા ખાસ અહેવાલમાં ગોમતીપુર ખાતે આવેલા ચારતોડા કબ્રસ્તાનમાં ગેરકાયદેસર રીતે વર્ષોથી વસવાટ કરી રહેલા લોકોને કબ્રસ્તાનમાં વસવાટ કરી રહેલા લોકોને ત્યાંથી અન્ય જગ્યાએ ખસેડવાનો કામ વડફ બોર્ડ દ્વારા અલ્તાફ ખાન અને તેના સાથીદારોને આપવામાં આવ્યો છે ત્યારે આ કબ્રસ્તાનમાંથી અલ્તાફ અને તેના સાથીઓ દ્વારા ઘણા લોકોને આ કબ્રસ્તાનમાંથી ઘરનો કબજો લઈને પૈસા આપી જગ્યા ખાલી કરાવવામાં આવી હતી પરંતુ કેટલાક સમયથી આ કબ્રસ્તાનમાં રહી રહેલા લોકો અને અલ્તાફ સાથે તકરાર થઈ હતી અને બંને પક્ષો સામસામે આવી ગયા હતા हम यहाँ जूनीचाल के रहवासी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ के जो भाई लोग हैं जो यहाँ रहते हैं कारोबार करते हैं उनको भी पुलिस वाले इस तरह से लेके गए आज आप खुद सोचिए कब्रिस्तान में हम सभी को जाना है हम सब मुसलमान हैं हमको मरकर कब्रिस्तान में ही जाना है लेकिन आज हमारे चाली मोहल्ले और ये बापूनगर के रहवासी इन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा क्योंकि इस तरीके से जो आम इंसान है आम आदमियों को ये लोग लेकर गए हैं पुलिस वाले इनके पास कोई वारंटी वगैरह ये यूँ बोल रहे वारंट है या कुछ भी भाड़ू जो हमारे खुद के भाड़ू थे ये जैसे हमारी आपा खड़ी है इनके बेटे से पूछा तक नहीं उनका नाम तक नहीं पूछा और इनको लेके गए ठीक है अब ये आपा है वो यूँ बोल रहे हमको नाम आया था अब ये आपा का नाम है रईसा आपा इनके तो घर काम करते ये घर काम करते हैं हमारे घर का और जो घर था किसके नाम था वो यूँ बोल रहे कि ये घर जिसके नाम है अब वो घर मेरे नाम पर रूही खान के नाम पर ठीक है बस मेरी गलती ये थी कि जो मेरा घर है वो अटैचमेंट आसिफ भाई से था जिनका नाम इन लोगों ने गलती से दिया वो मेरा भाई गलत नहीं है वो मेरा कज़िन है वो गलत नहीं है लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों ने गलत गलत तरीके से जो भी वारंट दिया है हमारे घर के चाचा को लेके गए फिर उसके बाद हमारी चाची है हमारी अम्मी उन लोगों को हमारी लड़ाई खुद की लड़ाई नहीं पूरे कौम की लड़ाई है ठीक है और ये जो लड़ाई है जो ये लड़ाई जो जिस तरीके से हो रही है ये हमारी पूरी कौम की है हमारे सभी की है हम सभी को उस जगह जाना है और ये जो बिहारी यहाँ पर जो बिहार से आए हुए काम करते हैं वो भाइयों को भी लेके गए मैंने पुलिस वाले अंकल से ये पूछा कि भाई आप ये इनको ले जा रहे हैं इनका तो कुछ आंसर ही नहीं कर रहे उधर इधर मुंडी कर रहे जो ये कांग्रेस के नेता है रुखसाना घाची और ये हिम्मत सिंह पटेल इनका दबाव ज़्यादा है इसके लिए हमारे मेरे चाचा को इन लोगों को परेशान कर देंगे कि ये हमारी ना अकेले की लड़ाई है आप लोगों बताओ जितने भी मोमिन मुसलमान लोगों बहन भाई है ये बताओ ये हमारी आपस की लड़ाई है हमारी आपस की लड़ाई नहीं है पर इसमें सबसे ज़्यादा टारगेट मेरे चाचा को किया जा रहा है ये कांग्रेस के नेता लोगों आपके चाचा का क्या नाम है मेरे चाचा का नाम है अल्ताफ खान पठान और ये जो आप ये कांग्रेस और ये भाजपा ये सब कर रहे हो अभी तो आप प्रेशर कर रहे हो लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि गुजरात में सिर्फ राज्य एक ही सरकार करती है अभी तो आप दबाव डाल रहे हो बाद में कौन सी सरकार राज करेगी ये हम सभी को पता ये बोल रहे कि अल्ताफ खान को जब भी जमीन दबानी अरे उनको जमीन की कोई जरूरत नहीं अल्लाह का उनको लाख लाख करम है पर ये जो रुखसाना घाची है जो हिम्मत सिंह पटेल है इनको जमीन बचानी है इनको इनको फ्लैट बनाना है इनको आगे बढ़ना है इनको ये हमारे को खाली है ना एक वो मुद्दा लेके टारगेट कर रहे हैं हमारे घर की लेडीजों को उठा उठा के ले जा रहे हैं आप ये बताओ कि हमारे घर की लेडीज वहाँ लड़ने गई थी हमारे घर की लेडीज की तबीयत खराब है बीमार है जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी जिससे हमारी दीवार टच है जो हमारे पहाड़ों भी नहीं हमारे पहचानने वाले उनके भी घर के बच्चों को उठा के ले रही है ये काम वाली आता है ये घर काम करते हैं और उनका बेटा सिलाई काम करता है उसको मशीन पे से उठा के ले गए और बेचारे की तो कहीं से कहीं गलती नहीं है लेकिन रुखसाना घाची का ये आरोप है कांग्रेस कॉर्पोरेटर का कि उनके साथ हाथापाई हुई थी मारझूड़ किया गया था जो बंदूक लेके घूम रहा है जो
बंदूक लेके घूम रहा है उस पर एक्शन लो ना आप लोगों। उसकी वीडियो हम बताएं आपको, जो बंदूक लेके घूम रहा है। लेकिन दोनों साइड से मारा मार हुई तो आपकी तरफ से कोई एफआईआर फरियाद की गई? नहीं, वो बस साथ में बैठ के मिलजुल के समझौता कर लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जो मेरे भाइयों का मैंने खुद अपने हाथों से खून, ये जो हमारे बाप चाचाओं का नाम, हमारे भाइयों का बाप का चाचाओं का नाम लिए ना, ये बेगुनाह है, बेगुनाह। ये लड़ाई हमारी खुद की पर्सनल नहीं है, ये कौम की लड़ाई है। मेरी सबसे सबसे विनती है, जितने भी मोमिन मुसलमान है सब आगे आओ, सब आगे आओ, बहन माँ बेटी सब आगे आओ, कि ये ना पुलिस चौकी पे जाके दरखास्त करो कि जो हमारे पे अत्याचार कर रही है ना पुलिस, और ये जो रुखसाना घाची, हिम्मत सिंह पटेल, तो इनके लिए कुछ एक्शन लो, इनके लिए कुछ एक्शन लो, बहुत जरूरी है। लेकिन पुलिस तो आवाज उठाया है, हमारे घर के लड़कों की जरूरत है, जो जिसके नाम नहीं भी हमारे घर के लड़के, उन लड़कों को भी ना चैन से रहने नहीं देते घर में, सारे वो लोग पल्ला उठा के लेके चले जा रहे डर के मारे, कोई घर में नहीं आ रहे। औरतों को उठा के ले जा रहे, बोले औरतों का नंबर दो, औरतों को डिलीवरी में औरतें हैं, औरतों को उठा के ले जाएंगे। ये यानी रुखसाना घाची, हिम्मत सिंह, ये पुलिस का दबाव है, पुलिस के पास वो सब है क्या? सब एक बात बताओ, इंसाफ करो, मुसलमान है, हमको इंसाफ की जरूरत है। ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप ये ध्यान से सुनना, हमको कब्रिस्तान में मरकर हम मुसलमानों को सबको जाना है, सिंह को नहीं जाना है, इनको जाना है शमशान। तो आपको सपोर्ट करना है हमको, मैं नहीं बोल रही कि भाजपा की सरकार या कोई भी नहीं, लेकिन जाना हम मुसलमान को, हम पीसेंगे ये वोटर्स के लिए। प्लीज कब्रिस्तान को बीच में मुद्दा मत बनाओ। और ये जिसने बोला है कि अल्ताफ खान वहाँ जमीन बचाने के चक्कर में है, तो अब ये बताओ उन्होंने कितना लाखों रुपया लगाए है, लाखों रुपया वहाँ जाके देखो कब्रिस्तान का हाल क्या है। वो बोलने वाले यूँ बोल रहे ना, वो एक इंसान यूँ बोल रहा है कि पांच कब्रिस्तान का नाम लेता है, पांच क्या सिर्फ, तुम दो कब्रिस्तान जाके देख कर आओ, ये मरियम बीबी का देख कर आओ, मूसा सुआ देख कर आओ, वहाँ अलाउड ही नहीं है वहाँ पैदल जाने का, वहाँ अंदर ना लेडीज अलाउड है ना जानवर अलाउड है, वहाँ गाड़ी बाहर पार्क कर। लेकिन पुलिस अल्ताफ खान की मुहिम तो ये है कि अपने कब्रिस्तान को अच्छा बनाने की है। पुलिस कह रही है इस वक्त पर जो कार्यवाही हो रही है एफआईआर के आधार पे हो रही है। नहीं, आप लोग जब चुक गए एफआईआर करना, तो आपने अब कोई प्लान बनाया एफआईआर करने का? नहीं, जो आम जनता है उनको सरकार की गुनाह है। आप ये बताओ, अच्छा काम करना गुनाह है तो हम अच्छे काम करना छोड़ देंगे, वोट भी देना छोड़ देंगे, अच्छे काम करना। आज हमारे चाचा पूरे आज लॉकडाउन में देखो, इतनी पब्लिक परेशान थी, इतनी पब्लिक परेशान थी, हमारे चाचा अल्ताफ खान पूरा बापू नगर एरिया, पूरे बापू नगर के छोटे सब मिल के बिहारियों को टिकट के पैसे सब करके अपने घर पहुँचाए, सबको घरों में कीड़े दिए। और जिन पर आरोप है वो भी पिछला विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी से, अल्ताफ खान पे, वो भी तो पिछला चुनाव लड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से, तो इसको पॉलिटिकल अखाड़ा बना जा रहा है आपका? जितना हमारे घर पे टॉर्चर हो रहा है। और एक बात आपको बता दें, इतने बड़े बड़े हमने केस देखे हैं मर्डर के या कुछ भी, आसपास सुनते चोरी कुछ भी हो जाती है, पुलिस कभी नहीं आती। इतना नहीं तो जो अभी हुआ ना, कभी नहीं हुआ। ये अच्छाई के काम में, अच्छाई क्या है काम करने में, पुलिस इतना ज्यादा आ रही है उनके घर की औरतों को परेशान कर रही है, उनके मासूम बच्चों को परेशान कर रही है, और पकड़ पकड़ के औरतों का नंबर मांग रही है। ये कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात हो जाए तो पुलिस जिम्मेदार ही नहीं। इनकी पूरी वीडियो लो, इनके हाथ पैर दूज रही है, औरत क्या काम करती है, इनकी पूरी वीडियो लो, इनके छोकरे को लेके गएंगे। समग्र मामलों बिचकता गत बे दिवस अगाउ अल्ताफ અને તેના સાથીઓએ કેટલાક લોકો સાથે મારામારી થઈ હતી અને સ્થાનિક લોકોને સામાન્ય ઈજાઓ પણ પહોંચી હતી અને આ સમગ્ર મામલો પોલીસ મથકે પહોંચતા સ્થાનિક પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયો હતો અને સમગ્ર મામલો શાંત પડ્યો હતો પરંતુ આ બનાવ બાદ અલ્તાફ ખાન ફરાર થઈ ગયો હતો। આ સમગ્ર કેસની તપાસમાં અમદાવાદ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પણ જોડાઈ હતી અને ગણતરીના કલાકોમાં આજ અલ્તાફની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે। ગઈ 10 મઈના રોજ ગોમતીપુરમાં 3 ઓફેન્સ દાખલ કરવામાં આવેલા હતા, એમાં મુખ્ય ભાગમાં જો છે ચાર તોડા કબ્રિસ્તાનનો એરિયા છે, ત્યાં અલ્તાફ બાસી એનો બે ભત્રીજા
रफीक अने बीजा माणसों साथे त्यां गयेलो। एक सीसीटीवी पण वायरल थयेलो जेमां बधा माणसों हथियार साथे पाइप साथे धोका साथे जाय छे। त्यां जो रहेतो तो माणसों एनो धमकावे छे, एना घरमां जईने तोड़फोड़ करे छे अने त्रण अलग अलग फरियाद अलग अलग आईपीसी सेक्शनमां अलग अलग फरियादी पासेथी दाखिल करवामां आवी छे। एना पछी सीपी साहेब क्राइम ब्रांचनो आ अल्ताफ बासी जेनो गुनाहित इतिहास जोईए तो अत्यार सुधी 17 जेटला ऑफेन्स एना विरुद्धमां अलग अलग पुलिस स्टेशनमां दाखिल थयेला छे। एनो धरपकड़ करवा माटे क्राइम ब्रांचनो जवाबदारी पण सोंपी। अत्यारथी अंडरग्राउंड हता। काले रात्रे अमे एवी माहिती मळी हती कि आ गुजरात छोड़ीने मुंबई बाजू त्यांथी बहार जवानो छे। सूरत पासे अमारी टीमे एनो इंटरसेप्ट कर्यो अने त्यांथी पकड़ीने परत अहमदाबाद लाव्या छे अने आजे एनो अरेस्ट करवामां आवे छे अने काले एनी रिमांडनी कारवाई करवामां आवशे अने आगळ जेटली भी लीगल कारवाई छे आ करवामां आवशे। एक ऑफेन्समां धाड़नो कंटेंट छे। એને મોબાઈલ ખેંચી લીધો, ધાક ધમકી આપી। 395નો સેક્શન છે। બીજા સેક્શન તો છે જો માર મારવાનોનો હોય, જેવી રીતે આ જોઈએ તો રાઇટિંગ વિથ ધાડ લીધા છે, કે એક સાથે ટોલા ભેગા કરીને ત્યાં ગયા હતા। એકને ફરિયાદીને ઘરમાં જઈને તોડફોડ કર્યા છે, એમાં પણ 452 ગેરકાયદેસર પ્રવેશ, 294 ખ 506 2 ધમકી આપવાના અને જીપી એક્ટ 135(1) મતલબ હથિયાર સાથે, અને ત્રીજામાં હથિયાર સાથે જો આજુબાજુનો માણસોનો ધમકાવવામાં આવ્યો એની મુજબની ત્રણ અલગ અલગ ફરિયાદો છે। આ ફરિયાદીમાં કોર્પોરેટરનું અત્યારે નામ નથી, તો આગળની તપાસમાં નામ ખુલશે તો બધું। આ 2017માં એક મર્ડર કેસમાં આરોપી છે, ત્યાં એમાં એને જામીન મળી હતી, એમાં બહાર છે। ઘણા બધા આરોપીઓનું કારણ આ છે કે એક તો ત્યાં એનો લોકલ એરિયામાં વર્ચસ્વ રહે, અને એનો જો મુખ્ય કારણ અત્યાર સુધી જાણવા મળ્યો કે ત્યાંની જમીન પણ ખાલી કરવાનો એને કંઈ સુપારી લીધી હતી, આ એક મુખ્ય કારણ છે। આ તપાસનો વિષય છે, આ તપાસમાં બધું નામ ખુલશે એનો આગળ। હમણાં વકફ બોર્ડની જમીન છે, જો ભી હશે આ નીકળીને આવશે ને, કોઈ છાવરશે એનાથી શું, હવે તો કોઈ મતલબ નથી। અમે ત્રણ ઓફેન્સમાં જેમાં 2 ઓફેન્સ ક્રાઇમ બ્રાન્ચનો શિફ્ટ કરી નાખ, સીપી સાહેબે આદેશ આપ્યા છે, હવે ક્રાઇમ બ્રાન્ચનો તપાસ કરશે।